हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज वर्ड पैड देखते हैं। तो हम लोग वर्ड पैड देखते हैं। वर्ड पैड आपके सामने है, इस पर क्लिक करते हैं। वर्ड पैड आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं। मैंने लिख दिया राम। अब हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इसको सेलेक्ट किया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इसमें लिख लिया राम। अब देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे कॉपी। कॉपी ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, कॉपी का शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+C। हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया। और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे आएंगे तो हम यहाँ से पेस्ट करेंगे तो हमारा यही ऑप्शन कई बार हो जाएगा पेस्ट। तो हमने इंटर किया और इंटर करने के बाद जैसे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, वो हमारा बार बार पेस्ट होता चला जाएगा। जितनी बार हम पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट होता चला जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा डाटा पेस्ट हो रहा है। फिर इसी के सामने हमने इस तरीके से लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिख लिया एक लाइन में राम 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 लिख लिया, दूसरी लाइन में राम लिख लिया, या फिर कोई एक सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से इंटर करके एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज़ ए गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, राम इज़ ए गुड बॉय। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देंगे, जो फॉन्ट का स्टाइल होता है। इसमें देखा यहाँ पे फॉन्ट के कई स्टाइल हैं, जिस पे हम क्लिक करेंगे वही हमारा स्टाइल आ जाएगा। तो जैसे हमने इस तरीके से क्लिक किया, ये स्टाइल आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, बट यहाँ पर शॉर्टकट की नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली बी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इस फॉन्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ से इटैलिक पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा इटैलिक हो गया। इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन लग गया। अब देखें स्टिक थॉक, जैसे स्टिक थॉक क्या होता है। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा इंटर करके, तो मैं यहाँ पे कोई लेटर लिख लेता हूँ, राम इज ए गुड बॉय लिख दिया मैंने। अब मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन में, फिर इटैलिक पे, बोल्ड रहने देते फॉन्ट को, बोल्ड रहने देते। स्टिक थॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें से मुझे गुड को हटाना है, तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं स्टिक थॉक पे क्लिक करता हूँ, स्टिक थॉक पे क्लिक किया, इसमें एक कट लाइन बन जाएगी। ये लाइन कैसे होगा, जैसा लगता है कि ये हमारा फॉन्ट कट हुआ है, मतलब इसको ये टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन बना देता है, इसी का नाम है स्टिक थॉक। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं, उसी के बगल में आपका दिया है सबस्क्रिप्ट और उसी के बगल में दिया है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का काम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट का काम होता है किसी भी केमिस्ट्री के फॉर्मूले को लिखने के लिए, किसी भी साइंस के फार्मूले को लिखने के लिए करते हैं। तो जैसे अब मैं देखिए आपको बताता हूँ कैसे मैं फार्मूला क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं H, जैसे आपके पानी का सूत्र होता है H2O। तो मैंने H2O लिख दिया। अब देखिए ये आपका छोटा है लेटर है, तो सबसे पहले हम इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे ताकि स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता रहे कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या सही है क्या गलत। अब देखिए ये आपका H2 है। H2O का मतलब है कि ये दो जो है ये छोटा होना चाहिए। इसको छोटा कैसे करेंगे, हम इस तरीके से दो को सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्टली जा करके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं। सबस्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो दो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो इससे हमारा कोई भी फार्मूला हमें लिखने में सुविधा होती है। इसी प्रकार हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे हमको लिखना है ब्रैकेट में, मैंने लिख दिया A+B का होल स्क्वायर मुझे लिखना है। तो A+B का होल स्क्वायर मुझे लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा,
तो मैंने आपको बताया कि सिंपली मैं यहाँ दो लिखता हूँ, या फिर इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं पहले सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से दो प्रेस करता हूँ, तो हमारे जो ए प्लस बी है ब्रैकेट में उसके ऊपर आपका स्क्वायर लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे के जो फार्मूले होते हैं वो आपको मालूम ही है क्या होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं उसके आगे के फार्मूले। इस तरीके से हम यहाँ पे बराबर का निशान लगाते हैं और लिखते हैं ए स्क्वायर, जैसे ए लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस, प्लस का सिंबल लगाएंगे, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस फिर से हम प्लस लगाते हैं, प्लस टू ए बी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से ए प्लस बी का क्यूब लगा सकते हैं, इसी प्रकार से आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है। तो ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने किसी का नाम लिख लिया, जैसे मैं लिख लेता हूँ मोहन, मोहन लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट दिया हुआ है, अलाइनमेंट। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट को ना यूज़ करते हुए सबसे पहले हम फॉन्ट को क्लियर करते हैं। ये फॉन्ट है, फॉन्ट में हम इस मतलब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्लियर कर दिए। तो ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। जैसे हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर कलर पर हम क्लिक करते हैं, तो उसके बाद इसमें से हम अपने मनपसंद का कोई भी एक कलर चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने ये कलर ले लिया। अब हमारा ये टेक्स्ट सेलेक्ट है, तो इसमें ब्लैक और ब्लू दिख रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम बगल में देखिए दिया गया है टेक्स्ट कलर, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कलर। इस पर क्लिक करते हैं, तो इससे हमारे टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज होता है। तो हमने इस टेक्स्ट कलर को ले लिया। अब इस टेक्स्ट कलर को सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट था वो कलर में हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसकी साइज़ को और बढ़ाना, जब हमें साइज़ को और बढ़ाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, और बड़ा कर देंगे, या फिर यहाँ पे हमें 48 जो दिया हुआ है इसकी साइज़ से हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। तो मुझे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अलाइनमेंट पर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो देखिए हम लोग इस पर चलते हैं अलाइनमेंट पर। अलाइनमेंट में क्या है, अलाइनमेंट में अलाइनमेंट चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे ये देखिए आपके सामने लिखा गया है टेक्स्ट। जैसे मैं मान लीजिए इस टेक्स्ट से आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा। ये टेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका टेक्स्ट जो है वो राइट लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब इसी के साथ इसी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे हम लेफ़्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की जाता है। इसके बाद हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं सेंटर पे, तो ये हमारा टेक्स्ट जो राम लिखा गया है इसको हमने कहाँ कर दिया, सेंटर में कर दिया। अब सेंटर में करने का मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट है वो बीचों बीच रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं राइट अलाइनमेंट पर, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइनमेंट में। आप लोग सोच रहे होंगे ये इसके आगे यहाँ तक पेज दिख रहा है और आपका टेक्स्ट यहीं पर आ करके रुक गया, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे रूलर लगा हुआ है। रूलर भी सेट किया गया कि रूलर जहाँ तक रहेगा वहीं तक आपके टेक्स्ट रहेंगे, उसके आगे आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं ये आपका राइट अलाइनमेंट हो गया, यहाँ पे जो आपका ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। अब हमें अगर राइट अलाइनमेंट से डायरेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट पर आना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे, या फिर यहीं पर बगल में दिया है एक जस्टिफाई, जस्टिफाई का एक बटन दिया गया है उसी पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारा जो बटन है, जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आ जाएगा। समझ में आया, आइए आगे देखते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो दिया गया है इसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। जैसे अब हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है राम और फिर नीचे वाले लाइन में भी राम लिखा गया, तो हम इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राम is a good boy, मैंने लिख लिया राम इज ए गुड बॉय। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर देते हैं। तो देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया।
अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर लेना। दोनों लाइनों को सेलेक्ट करेंगे तभी आप समझ पाएंगे लाइन स्पेसिंग होता है क्या। अब लाइन स्पेसिंग पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे 1.0, 1.15, 1.5, 2। तो मुझे अगर 2 पे क्लिक करना होगा तो मैं 2 पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए दोनों लाइनों के बीच का स्पेस जो है वो बढ़ गया। अब अगर मुझे इस स्पेस को कम करना है तो मैं यहाँ पे 1.5 पे क्लिक करता हूँ, मतलब जो 2 है और 1.5 वो थोड़ा सा कम है। आप फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1.15 पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा और कम हुआ स्पेस। अब इससे भी कम अगर स्पेस आपको लाइनों के बीच चाहिए तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.0 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और डिफ़ॉल्ट रूप से जो आपका जो होता है ये लाइनों का स्पेस जो 1.15 ही होता है, 1.15 रहता है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट लिस्ट, स्टार्ट ए लिस्ट या स्टार्ट ए लिस्ट, हम इसको बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे मैंने लिखा एक पैराग्राफ, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे ये आपका बुलेट्स हो गया जो डॉट की तरह दिख रहा है, यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है, अगर आप न्यूमेरिक लगाना चाहते हैं तो न्यूमेरिक लगा सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी दिया है, वही चीज़ यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है, ये आपका रोमन में दिया हुआ है, ये आपका 1, 1, 1, 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से आप जिसको भी चूज़ करना चाहेंगे, जिसको भी आप चूज़ करते हैं, जैसे मैंने कैपिटल ए को चूज़ किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे सामने कैपिटल ए आ गया। यदि मैं दूसरी वाली लाइन में दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बुलेट लगाना चाहा तो मैं देखो बुलेट लगा लिया, और तीसरी वाली लाइन पे मैं यहाँ पे रोमन लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रोमन लगा लिया, और चौथी वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ यहाँ से इस ऑप्शन को लगा लिया। चौथी लाइन पर हमें क्या लगाना है, चौथी लाइन पे हमको लगाना है 1, 2, तो मैंने 1, 2 लगा लिया, और पांचवी लाइन पे हमको क्या लगाना है, पांचवी लाइन पे हम देखते हैं इसमें स्मॉल ए लगा लेते हैं। ठीक, अब ये हमारा लाइन बच गया, अब इस लाइन पे हम क्या लगाएंगे, इस लाइन पे भी कोई लगा देते हैं, जैसे हमने कैपिटल ए लगा लिया या फिर 1, 2 लगा देते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।